internal organs, as well as the canopic jars used in mummification to preserve internal organs. नॉर्दर्न चाइल्ड में मौजूद एटकामा डेजर्ट हमारी जमीन का सबसे खुश्क तरीन हिस्सा है। ये सहरा एंडीज के वेस्ट से हजारों माइल दूर पैसिफिक ओशन के किनारों तक फैला हुआ है। जमीन के इस हिस्से में हजारों सालों से बारिश ना होने की वजह से जिंदगी के बहुत कम आसार नजर आते हैं। सहरा की ये रेत अपने अंदर हजारों साल पुरानी इंसानी सिविलाइजेशंस के राज दफन किए हुए है। पैसिफिक कोस्ट और इस सहरा के किनारों पर एक छोटा सा गांव आबाद है। यहाँ पर रहने वाले लोग समुन्द्र से मछलियों का शिकार करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। 1983 में इस कस्बे के करीब 9000 साल पुराना एक एंशियंट ब्यूरल ग्राउंड डिस्कवर हुआ। इस ब्यूरल ग्राउंड में मिलने वाली बॉडीज और इनके साथ दफन आर्टिक्राफ्ट से ये बात जाहिर थी कि 9000 साल पहले समुन्दर के इस किनारे पर अर्ली ह्यूमंस रहते थे। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन 96 बॉडीज जिन्हें एक ही लेयर में दफनाया गया था को एनालाइज किया तो मालूम हुआ कि ये 96 बॉडीज ममीफाइड थी। इन ममीफाइड बॉडीज ने तमाम रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया। पाई जाने वाली ये ममीज दुनिया में पाई जाने वाली सबसे पुरानी ममीज थी। ये ममीज तकरीबन 9000 साल पुरानी थी। इन ममीज की डिस्कवरी से पहले हर कोई यही समझता था कि ममीफिकेशन का प्रोसेस 2000 साल पहले एंशियंट इजिप्टियंस की इजाद था, लेकिन मिलने वाली ममीज तकरीबन 9000 साल पुरानी थी। साउथ अमेरिका के सहरा में 9000 साल पहले आबाद ये लोग कौन थे? हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने अपने प्यारों को ममीफाई किया और इन्हें सहरा में मौजूद रेत के टीलों में दफना दिया। तकरीबन 2000 साल पहले इजिप्टियन सिविलाइजेशन अपने प्यारों को मरने के बाद ममीफाई करती थी ताकि इनकी बॉडीज हमेशा के लिए प्रिजर्व रहें। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली इन ममीज से पहले आर्कियोलॉजिस्ट यही समझते थे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन ने ही सबसे पहले ममीफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन 9000 साल पहले ये कौन सी सिविलाइजेशन थी जो अपने प्यारों को प्रिजर्व करने के लिए इनकी ममीज बनाती थी? आखिर ये लोग कहां से आए थे और इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज की दुनिया में इनका नामो निशान तक बाकी नहीं है? साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्टोन एज के लोग थे। तकरीबन 9000 साल पहले जमीन पर स्टोन एज चल रही थी। ये वो जमाना था जब लोग पत्थरों और हड्डियों के औजारों से जानवरों और परिंदों का शिकार करते और अपना गुजर बसर करते थे। इनके पास ना तो कोई बर्तन था, ना ही कपड़े और ना ही इनके पास रहने के लिए कोई मकान था। ये लोग खुले आसमान तले अपनी जिंदगी बसर करते थे, पत्थरों से आग जलाते थे और शिकार करके अपनी जिंदगी बसर करते थे। इतनी सादा जिंदगी के बावजूद ये लोग अपने प्यारों को मरने के बाद इनकी बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए इनको ममीफाई कर देते थे। रिसर्चर्स के मुताबिक ये लोग इन ममीज को फौरन नहीं दफनाते थे, बल्कि कई दिनों तक इन्हें अपने साथ रखते थे। सवाल ये था कि क्या एंशियंट इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने ममीफिकेशन का प्रोसेस चाइल्ड में रहने वाले इन मिस्टीरियस लोगों से सीखा था? साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि क्या एंशियंट इजिप्टियन और चाइल्ड में रहने वाले इन लोगों का ममी बनाने का तरीका सेम था, या ये दोनों सिविलाइजेशन मुख्तलिफ तरीके से अपने लोगों को ममीफाई करते थे, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने फैसला किया कि वो इजिप्टियन और चाइल्ड में पाए जाने वाली इन ममीज को स्टडी करेंगे। फोरेंसिक लैब में जब इजिप्ट में पाए जाने वाली ममीज को स्टडी किया गया तो मालूम हुआ कि ये लोग ममीफिकेशन से पहले मुर्दा को नहलाते थे। इसके बाद इसके तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता, इसकी आंखें निकाल कर इनकी जगह पत्थर की आंखें डाल दी जाती और मुर्दा की नाक के जरिए इसका दिमाग निकाल दिया जाता। इसके बाद इसके जिस्म में रेत की छोटी छोटी थैलियां डालकर स्टिचेस लगा दिए जाते। साइंटिस्ट ने एंशियंट इजिप्टियंस के ममीफिकेशन प्रोसेस को जानने के बाद चाइल में पाए जाने वाली ममीज को स्टडी किया ताकि वो ये जान सके कि क्या वो भी इजिप्टियन
इंडियंस की तरह अपने लोगों की ममीफिकेशन करते थे या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करते थे। साइंटिस्ट ने जब चाइल में पाए जाने वाली ममीज में से एक औरत की ममी को एनालाइज किया तो मालूम हुआ कि ये लोग मरने वाले शख्स को ममीफाई करने के लिए सबसे पहले इसकी खाल उतारते थे, इसके बाद इसके तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को निकालते और फिर जिस्म के कुछ हिस्सों से मांस काट कर निकाल लिया जाता। ये सब करने के बाद इसके जिस्म के अंदर घास फूस भर दी जाती और फिर दोबारा से खाल इसके जिस्म पर लगाकर स्टिचेस लगा दिए जाते। ये सब करने के बाद ये लोग मिट्टी का एक मास्क बनाकर इसके चेहरे पर लगाते और फिर इसे कई दिनों तक अपने साथ रखते। कई दिन गुजर जाने के बाद ये लोग इन ममीज को सहरा की तपती रेत के नीचे दफना देते थे। साइंटिस्ट ने जब दोनों सिविलाइजेशन के ममीफिकेशन प्रोसेस को कंपेयर किया तो ये बात वाजिया हो गई कि दोनों सिविलाइजेशन अपने लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ममीफाई करते थे। सहरा में पाए जाने वाली इन ममीज में से ज्यादातर ममीज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और कुछ के तो बस स्केलेटन्स ही बाकी थे। जब इन ममीज को फोरेंसिक टीम की मदद से एनालाइज किया गया तो मालूम हुआ कि तमाम मेल ममीज में टॉटिस नामी एक ऑडिटरी डिजीज पाई गई है। रिसर्चर्स के लिए ये बहुत हैरान कुन था क्योंकि ये बीमारी सिर्फ मेल ममीज में पाई गई थी। रिसर्चर्स के मुताबिक इन तमाम आदमियों को ये बीमारी समुन्दर के ठंडे पानी में तैरने और गोता लगाने की वजह से हुई थी। ये लोग हर रोज खुराक की तलाश में मछलियाँ पकड़ने के लिए समुन्दर के ठंडे पानी में गोता लगाते थे जिसकी वजह से इनके कान में इन्फेक्शन हो गया और एयर ड्रम्स डैमेज होने की वजह से ये लोग बहरे हो गए। साइंटिस्ट ने यहाँ पर पाए जाने वाली खोपड़ियों को स्टडी किया तो मालूम हुआ कि इनमें बहुत से फ्रैक्चर्स थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लोग एक पुरसकून जिंदगी बसर नहीं करते थे और इनमें लड़ाई झगड़ा और हाथापाई आम थी। इन लोगों के रहन सहन और जिंदगी बसर करने के तरीके को जानने के लिए साइंटिस्ट ने चाइल्ड के साहिल पर खुदाई की जहाँ पर ये लोग तकरीबन 9000 साल पहले रहते थे। जब वहाँ खुदाई की गई तो रेत के नीचे साइंटिस्ट को पत्थरों और हड्डियों से बने कई औजार मिले जिनका इस्तेमाल ये लोग मछलियों और जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह एनालाइज किया गया और अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर रहने वाले इन लोगों का कोई मुनासिब घर नहीं होता था। ये खुले आसमान तले रेत के टीलों पर या फिर गारों में रहते थे। साइंटिस्ट के जहन में एक सवाल ये था कि आखिर ये लोग आए कहाँ से थे। मजीद रिसर्च करने के बाद दो थ्योरी पेश की गई। पहली थ्योरी के मुताबिक शायद ये लोग कश्ती के जरिए पैसिफिक ओशन को पार करके यहाँ पर आए थे, लेकिन इस थ्योरी के मुतालिक साइंटिस्ट के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद न था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक शायद ये लोग इस साहिल पर आने से पहले पहाड़ों में रहते थे क्योंकि अटकामा डेजर्ट से तकरीबन 100 माइल के फासले पर बर्फानी पहाड़ मौजूद हैं और इन पहाड़ों की एक केव में साइंटिस्ट को तकरीबन 10,000 साल पुरानी इंसानी हड्डियाँ भी मिली थी। रिसर्चर्स के मुताबिक इस केव में हजारों साल पहले ये लोग रहा करते थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से 10,000 साल पहले इस इलाके में कहत साली आ गई। नदियों का पानी खुश्क हो गया, तमाम दरख्त और पौधे मुरझा गए और खाने पीने के लिए कुछ भी ना बचा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये लोग माइग्रेशन करके अटकामा डेजर्ट के साहिल पर आबाद हो गए। फोरेंसिक टीम्स ने इन ममीज को एक्सरे और सिटी स्कैन की मदद से स्टडी किया। इनमें से जब एक ममी को एक्सरे की मदद से एनालाइज किया गया तो मालूम हुआ कि ये एक लड़की की ममी थी जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। जब साइंटिस्ट ने इसकी मौत की वजह जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि इसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी क्योंकि इसकी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक्चर्स देखे गए थे। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए साइंटिस्ट ने इस ममी को सिटी स्कैन की मदद से एनालाइज किया तो मालूम हुआ कि इस ममी की हड्डियों पर बहुत से कट्स लगे हुए थे। इस ममी की टांगों की हड्डियों जिन्हें ह्यूमरस और फीमर कहते हैं को काट कर अलग किया गया था।
सवाल ये था कि आखिर इन हड्डियों को क्यों काटा गया था। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये हड्डियाँ बोन मैरो को निकालने के लिए काटी गई थी और बोन मैरो निकालने के बाद इन्हें आपस में जोड़कर रैप कर दिया गया। एक सवाल ये था कि आखिर ममीफिकेशन से पहले ये लोग मुर्दा के जिस्म से गोश्त और हड्डियों के अंदर से बोन मैरो क्यों निकालते थे? क्या ये इनके कल्चर का हिस्सा था? साइंटिस्ट के लिए ये एक मिस्ट्री बन गई है। इन ममीज में से कुछ ममीज के साथ ये छोटे साइज की ममीज भी मिली थी। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि शायद ये बच्चों के खेलने वाली डॉल्स हैं, जिन्हें इनकी ममीज के साथ ही दफना दिया गया था। लेकिन जब इन छोटे साइज की ममीज को सिटी स्कैन की मदद से स्टडी किया गया तो मालूम हुआ कि ये किसी डॉल की ममी नहीं बल्कि ह्यूमन फीटस की ममी थी। साइंटिस्ट के लिए ये वाकई बहुत हैरान कन था कि आखिर ये लोग कौन थे जो अपने मर्दों, औरतों, बच्चों, यहाँ तक के अपने अनबॉर्न बेबीज को भी हमेशा के लिए प्रिजर्व रखने के लिए इनकी ममीज बनाते थे। इन ममीज को नॉर्दर्न चाइल्ड के एक म्यूजियम में रखा गया है, जहाँ पर साइंटिस्ट इन ममीज पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि 9000 साल पुरानी इस मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के राजों से पर्दा उठाया जा सके। ये है वो सारे सोर्सेज जहाँ से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको हिस्ट्री ब्रीफ्ड की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी ओपिनियंस और सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।